नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ ये सैमसंग के मोबाइल फ़ोन के ऊपर हमारा टॉपिक है। हम जो आज आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि मतलब सैमसंग का जो मोबाइल फ़ोन आता है उस सैमसंग के मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा, ये सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में जो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है उसको कैसे चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो हम आज आपको पूरे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपको बना करके दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी एक बेसिकली टेस्टिंग की वीडियो होती है कि ताकि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आएगा तो उस मोबाइल फ़ोन को हम लोग चेक कैसे कर पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो स्टूडेंट जो सीख रहे हैं या जो ऐसे लोग हैं जो आज अपनी दुकान पर बैठ करके मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं लेकिन वो मोबाइल फ़ोन में आने वाली प्रॉब्लम को बिल्कुल नहीं चेक कर पाते, सिर्फ वो आयरन कहिए तो बहुत अच्छा चलाना जानते हैं या मोबाइल फ़ोन में सामान तो बदलना बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन जहाँ पर रिपेयरिंग की बात आती है कि मदरबोर्ड को रिपेयर कैसे किया जाएगा, इस बोर्ड में कौन सी सप्लाई कहाँ पर जा रही है, कौन से पिन पर सप्लाई आएगी, कौन सा इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, इन सब सारी चीज़ों के बातों के बारे में वो अच्छे से नहीं जानते। लेकिन आज मैं आपको जो वीडियो के माध्यम से जो आपको सिखा रहा हूँ ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जो अच्छे तरीके से सीख करके बहुत अच्छा काम करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे इन सब चीज़ों के बारे में एक अच्छा सीखने को मिल रहा है, मुझे पर्सनली भी मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उनको भी दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप अगर लोग सीख रहे हो और इसी तरीके से सीखने के बाद अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मेरा वीडियो बनाने का तरीका सफल हो रहा है और मैं आज आपको कुछ ना कुछ सिखा पा रहा हूँ। और इसी बहाने क्या है कि जो हम आप लोग जो मेरे पास सीखने के लिए आते हो, जो ट्रेनिंग लेने के लिए आते हो कि किस तरीके से हमको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखना है, कैसे कोर्स सीखना है, या बहुत ऐसे लोग होते हैं जो किसी दुकान पर काम करते रहते हैं वो सोचते हैं कि अगर हमको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखना है तो किसी दुकान पर भी लग जाते हैं, उनको 5-5, 6-6 महीने साल साल भर लग जाता है, बाद में ये रहता है कि वो नहीं सीख पाते, फिर उनको अंततः ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन ही करना पड़ता है। तो अगर उनको ये वीडियो फॉल्ट ढूंढते हैं, अगर उनको वीडियो मिल जाती है तो इसके माध्यम से उनको पर्सनली फ़ोन भी ठीक होते हैं और उनको सीखने का तरीका भी पता चलता है कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का ट्रेनिंग लिया जाता है या इस काम को कैसे सीखा जाता है। मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो लोग सोचते हैं या उनके पेरेंट्स हैं वो लोग कहते हैं सर इसका भी कोई कोर्स होता है क्या, कहते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखने का भी कोई कोर्स होता है क्या। लेकिन आजकल के प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो सर इस समय पर जितने भी सारे लोग हैं जो टेक्नीशियन है, जो प्रोफेशनल टेक्नीशियन है, जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या जो बिल्कुल जीरो लेवल के आदमी हैं, अगर आज मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में काम करना चाहते हैं तो सर एक छोटी सी ट्रेनिंग लेते हैं, थोड़ा सा समय लगता है उनको सीखने में, मात्र 45 दिन का समय लगता है, 45 दिन के अंदर आप बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आप सीख जाते हैं, ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फ़ोन को हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है दोनों तरीके से मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ कि सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे या कैसे रिपेयर करेंगे या सैमसंग के मोबाइल फ़ोन को ठीक करने का तरीका क्या होता है, यह जब मैं आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझाने वाला हूँ। सैमसंग फोन चार्जिंग सोल्यूशन, सैमसंग फोन चार्जिंग सोल्यूशन। यदि हमारे पास सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन आता है, सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन में यदि चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो चार्जिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे चेक करते हैं या उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, उसको टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में मैं आज आपको पूरा वीडियो आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या, सैमसंग के जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में जो चार्जिंग जैक लगा होता है दो तरीके के चार्जिंग जैक आते हैं। ये जो मैं आज आपको चार्जिंग का तरीका बता रहा हूँ ये बेसिकली कीपैड मोबाइल फ़ोन का बता रहा हूँ क्योंकि पहले जितने भी कीपैड मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी है वो सब चीज़ों को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एंड्रॉयड पे आएंगे, सिमेटिक पे आएंगे या बॉर्नियो सिमेटिक के माध्यम से कैसे लाइन और ट्रैक को ढूंढेंगे ये सारा सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो ये जो हमारा चार्जिंग जैक जो होता है, चार्जिंग जैक में हमारी अलग अलग पिनें होती हैं। जितने भी सैमसंग के पुराने मोबाइल फ़ोन आते थे उसमें 20 पिन का चार्जिंग जैक आता है। अब सैमसंग के जितने भी नए मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं तो सभी नए मोबाइल फ़ोन के अंदर 7 पिन का चार्जिंग जैक आता है। जो 7 पिन का चार्जिंग जैक आता है उसमें 2 पिनें होती हैं वो एक्चुअली में मोटी होती हैं,
जो दो पिनें मोटी होती है वही वाली पिनें जो होती हैं प्लस माइनस होती हैं, मतलब ये वाली पिन माइनस होती है और ये वाली पिन आपकी पॉजिटिव की होती है। इसमें से ये वाली पिन जो होती है माइनस होती है और ये वाली पहली दूसरी क्या होती है ये पॉजिटिव होती है। जितने भी पॉजिटिव के ट्रैक होते हैं सारे पॉजिटिव के ट्रैक में सैमसंग के मोबाइल फ़ोन जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सभी मोबाइल फ़ोन में पॉजिटिव के ट्रैक में कंपनी यहाँ पर क्या करती है एक डायोड लगाती है। फिर एक कैपेसिटर लगाती है, फिर आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग आईसी लगी होती है। सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में जो चार्जिंग आईसी पाई जाती है यह तो 8 पिन की भी होती है, यह तो अब जो नए मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं सारे नए मोबाइल फ़ोन की 10 पिन की चार्जिंग आईसी पाई जाती है। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ वो आपकी चार्जिंग आईसी 8 पिन की पाई जाए या चार्जिंग आईसी 10 पिन की पाई जाए, इसमें जो सप्लाई जाती है वो आपकी सप्लाई पिन नंबर फर्स्ट पर जाती है। पिन नंबर फर्स्ट कैसे पता चलता है, आईसी में डॉट लगा होता है, डॉट से पता चलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से सारी आपके 10 पिनों को काउंट कर लेंगे। 10 पिन में पिन नंबर पहले पे सप्लाई जाती है, अगर 8 पिन की आईसी होती है तो भी सप्लाई पिन नंबर फर्स्ट पे जाती है। इसमें डॉट लगा होता है, डॉट से पता चलता है कि ये पिन नंबर पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पाँचवीं है, छठवीं है, सातवीं, आठवीं और लास्ट वाली पिन तो सप्लाई निकलती है। इसके आउटपुट में कुछ सेटों में तो पहले LVR आता था लेकिन फिलहाल इस समय पर प्रेजेंट टाइम पर जो भी हैंडसेट आ रहे हैं वो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में डायोड ही लगा होता है जबकि LVR नहीं लगा होता। उसके बाद फिर आउटपुट में तुम्हारा डायोड लगा होता है, डायोड के बाद फिर ये सप्लाई तुम्हारी बैटरी कनेक्टर में जाती है, बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट में जाती है। तो ये जितने भी सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आते हैं ये सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में इस तरीके से चार्जिंग के सर्किट होता है। ये जो चार्जिंग के सर्किट होता है जितने भी बेसिकली जो कीपैड के मोबाइल फ़ोन आते हैं सभी कीपैड मोबाइल फ़ोन में ऐसा सर्किट अप्लाई होता है। यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो चार्जिंग की प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए स्टेप स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने का तरीका क्या होता है पहले मैं आपको इसमें समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसी चीज़ को मैं आपको बोर्ड में समझाता हूँ, मदरबोर्ड में समझाता हूँ। ये जैसे हमारे पास सैमसंग का मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद इसके प्लस माइनस पिन में चेक करेंगे तो आपको 5 वोल्ट करंट मिलेगा। अगर प्लस माइनस पिन में चेक करने पर 5 वोल्ट करंट मिलता है तो इसका मतलब कि आपका चार्जिंग जैक सही है, अगर प्लस माइनस पर चेक करने पर 5 वोल्ट करंट नहीं मिलता तो इसका मतलब चार्जिंग जैक खराब है। चार्जिंग जैक के माइनस वाली पिन में चेक करेंगे तो बीप आएगी, प्लस वाली पिन में चेक करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर चेक करेंगे तो वैल्यू आएगी। यह चेक करने पर कितनी वैल्यू आती है 500 से लेकर के समथिंग 700 वैल्यू आती है, यहाँ पर जब चेक करेंगे तो 500 से लेकर के 700 वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पर चेक करने पर 500-700 वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या आता है हमारा ट्रैक सही होता है, अगर वैल्यू नहीं आती तो इसका मतलब होता है हमारा ट्रैक खराब हो जाता है, ट्रैक खराब हो जाता है, लाइन खराब हो जाता है, सप्लाई लाइन ब्रेक हो चुका होता है। या कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल फ़ोन में जब चार्जिंग जैक को मदरबोर्ड से उतारते हैं तो चार्जिंग जैक को मदरबोर्ड में उतारने में ही हमारे प्रिंट खराब हो जाते हैं या ट्रैक मिस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन पर भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करेंगे चार्जिंग जैक के प्लस वाले पॉइंट से उठा करके इस डायोड के प्लस वाले पॉइंट पर हम लोग जंपर मार देंगे, जैसे जंपर मार देंगे तो आपका चार्जिंग का लाइन ओके हो जाएगा। इसमें हम लोग चेक करेंगे तो माइनस वाले पॉइंट पर बीप आएगी, प्लस वाले पॉइंट पर क्या आएगी वैल्यू आएगी, माइनस पर बीप आएगी, प्लस वाले पॉइंट पर क्या आएगी वैल्यू आएगी। अगर माइनस पर बीप नहीं आती तो माइनस को उठा करके ग्राउंड पर जंपर मार देंगे, प्लस में चेक करेंगे तो प्लस में चेक करने पर वैल्यू आएगी, अगर प्लस में चेक करने पर वैल्यू नहीं आती तो प्लस से उठा करके आप इस डायोड के वैल्यू वाले पॉइंट पर जंपर मार देंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग हो जाएगी। या जो चार्जिंग आईसी लगी होती है तो प्लस पिन से उठा करके चार्जिंग आईसी की पिन नंबर 1 पर जंपर मार देंगे, जैसे पिन नंबर 1 पर जंपर मार देंगे तो अभी आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। या चार्जिंग जहां पर पिन नंबर 1 होती है उसी के पास में कैपेसिटर लगा होता है तो तुम चाहो तो कैपेसिटर के प्लस वाले यानी वैल्यू वाले पॉइंट पर जंपर मार सकते हो। कैपेसिटर में एक तरफ से बीप आती है एक तरफ से वैल्यू आती है, तो जिस तरफ वैल्यू वाले पर मार दोगे तो भी आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इस ये चेक करने का मतलब होता है हम लोग चार्जिंग जैक का आईसी का जो इनपुट का जो ट्रैक होता है इनपुट के ट्रैक को हम लोग क्या कर लेते हैं ओके कर लेते हैं,
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके आउटपुट के ट्रैक को भी चेक कर लेते हैं, आउटपुट का भी ट्रैक ओके, इनपुट का ट्रैक भी ट्रैक ओके, तो उस कंडीशन पर हमारी चार्जिंग आईसी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जब चार्जिंग आईसी ख़राब हो जाएगी तो चार्जिंग आईसी को आपको बदलना पड़ेगा, चार्जिंग आईसी को चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने एक चार्जिंग का मैंने आपको बेसिकली सैमसंग के मोबाइल फ़ोन को ट्रैक चेक करने का तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है। अब इसी चीज़ को हम लोग चलो चलते हैं अपने मदरबोर्ड के ऊपर और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी समझते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग चेक करते हैं। जैसे आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये आपके मोबाइल फ़ोन में ये आपका चार्जिंग जैक लगा हुआ है। ये चार्जिंग जैक में अगर आप लोग गौर से देख पा रहे होंगे सभी लोग, तो ये जो आपका चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये आपका चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है और चार्जिंग कनेक्टर में जब आप देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, चार्जर लगाएंगे। इसकी दो पिन है, मोटी मोटी वाली पिन है, तो ये वाली पिन जो प्लस है, ये वाली पिन तुम्हारी क्या है, माइनस है, लास्ट वाली पिन है। तो इसमें जब आप चेक करेंगे, चार्जर लगा के चेक करेंगे, तो यहाँ पर चेक करने पर आपको 5 वोल्ट करंट मिलेगा। अगर 5 वोल्ट करंट मिलता है तो इसका मतलब क्या है, चार्जिंग जैक सही है। 5 वोल्ट करंट नहीं मिलता तो चार्जिंग जैक तुम्हारा ख़राब है। अब आप क्या करेंगे, चार्जर लगा के चेक करेंगे, तो इसके प्लस माइनस में चेक करने पर 5 वोल्ट करंट मिलेगा। अगर 5 वोल्ट करंट मिलता है तो इसका मतलब क्या है, चार्जिंग जैक सही है, नहीं मिलता तो चार्जिंग जैक ख़राब है। चार्जिंग जैक के माइनस वाली पिन में चेक करेंगे तो माइनस वाली पिन में चेक करने पर आपको बीप मिलेगी, प्लस वाली पिन में चेक करने पर वैल्यू मिलेगी। अगर प्लस वाली पिन पर वैल्यू नहीं मिलती तो आप गौर से देखेंगे, ये प्लस के ट्रैक में डायोड लगा है। इस डायोड में जब आप चेक करेंगे तो एक तरफ से चेक करने पर आपको बीप मिलेगी, एक तरफ से जब आप चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या मिलेगी, बीप मिलेगी। जब दूसरी तरफ चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं मिलती तो इसके प्लस वाले पिन से उठा करके इसके वैल्यू वाले पॉइंट पर जंपर मार देंगे। जैसे प्लस वाले से लेकर वैल्यू वाले पॉइंट पर जंपर मार देंगे तो आपका चार्जिंग का लाइन कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा तब भी होता है कि जब आप मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग कनेक्टर उतारते हो, उस कंडीशन में इसके जो सारे प्रिंट ही होते हैं वही उखड़ जाते हैं, लेकिन माइनस वाला बना रहता है। अगर नहीं भी बना रहता तो माइनस को उठा के तुम ग्राउंड पर मार दीजिए, अब प्लस को उठा के यहाँ पर मार दीजिए, तब भी आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का लाइन कनेक्शन जुड़ जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में ये तरीका काफ़ी हद तक कारगर रहता है। उसके बाद सैमसंग का जो मोबाइल फ़ोन आता है उसमें ये चार्जिंग आईसी लगी है, इसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी के पास में देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर में सप्लाई आती है, ये पिन नंबर 1 है, यहाँ पर इस पर करंट आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चार्जर लगा के चेक करेंगे, ये सप्लाई जो होती है यहाँ से होते हुए, मैं थोड़ा सा एक बार अच्छे से क्लियर करके समझाता हूँ। ये लाइन माइनस वाली लाइन ग्राउंड हो जाती है, प्लस वाली लाइन यहाँ डायोड पे आती है, डायोड से होते हुए ये सप्लाई तुम्हारे इस कैपेसिटर पे आ जाती है, कैपेसिटर से चली जाती है पिन नंबर 1 के अंदर। ये कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर का ये हिस्सा बीप देता है, तो ये हिस्सा तुम्हारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये सप्लाई आईसी से निकलती है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लगा होता है, फिर यहाँ से लाइन आउटपुट होती है और ये आउटपुट लाइन तुम्हारी वी बैट के लिए चली जाती है। वी बैट का मतलब जानते हो, बैटरी कनेक्टर के लिए चली जाती है, जिससे बैटरी तुम्हारी मोबाइल फ़ोन में चार्ज होती है और आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की लाइन क्या हो जाती है, ओके हो जाती है। तो ये दोस्तों जो मैंने आपको बताया सैमसंग का मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का तरीका मैंने आपको समझाया है, किस तरीके से हमारे पास जो भी सैमसंग के हैंडसेट आते हैं उन सैमसंग के हैंडसेट में चार्जिंग की प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने समझाया कि सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आते हैं तो उसमें चार्जिंग को चेक करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से उसमें चार्जिंग होती है, कैसे कनेक्टिविटी होती है, और जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि माइनस वाले पॉइंट में चेक करने पर आपको बीप मिलेगी और प्लस वाले पॉइंट में चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको चेक करने पर वैल्यू मिलेगी। सैमसंग के ट्रैक में जो ग्राउंड रीडिंग आती है, GR आता है, ये 500 से लेकर के 700 आता है। अगर 500 से लेकर 700 तक वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा लाइन ओके। कई बार ऐसा होता है रीडिंग थोड़ी कम ज़्यादा भी होती है, क्योंकि ग्राउंड रीडिंग होती है वो 100% कभी परफेक्ट नहीं होती, उसमें थोड़ा सा बहुत 19-20 का चेंजेस होता रहता है, वो उसके ट्रैक और डायोड के वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता रहता है, जिसके कारण से ग्राउंड रीडिंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये हमने आपको दोस्तों बताया कि किस तरीके से हमारे पास सैमसंग का मोबाइल फ़ोन आता है, उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों ट्रेसिंग के बारे में एक एक करके जो भी मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उस मोबाइल फ़ोन में ट्रैक करने का, चेक करने का तरीका क्या होता है और तरीका हमने आपको पूरा एक एक करके समझाया है। तो दोस्तों ये सीखने का क्या सिस्टम है, सीखने का क्या तरीका है, या किस तरीके से आपको पूरा ट्रेनिंग मिलता है, इसी तरीके से आपको एक एक करके आपको क्लासेस में आपको सारे सर्किट हैं, सारे सप्लाई है, सारे लाइन है, अंदर की कनेक्टिविटी है,
और भी डिटेल में आपको समझाया जाता है, और जो मैंने आज आपको समझा दिया इसका पूरा मदरबोर्ड में प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, ताकि सीखने के बाद जो भी बच्चे जब क्लास करते हैं तो सीख लेते हैं, तो सीखने के बाद वो प्रैक्टिकल भी करते हैं। उसमें से एक एक करके जो भी उनके पास फ़ोन आते हैं या जो मार्केट से मोबाइल फ़ोन आते हैं उनको भी रिपेयर करते हैं, या अपने ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लोग क्लास कर लेते हैं, क्लास करने के बाद भी अपना प्रैक्टिकल करते रहते हैं, या जिनका कोर्स हो जाता है, कोर्स होने के बाद भी अगर उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या कोई पूछने की ज़रूरत पड़ती है, कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं और ये सब चीज़ों के बारे में पूरा सीख करके जाते हैं। तो ये दोस्तों जो हम लोगों ने जो क्लास में आपको पूरा एक एक करके आपको जो सीरीज निकाला हुआ है कि ट्रेसिंग के बारे में कैसे मोबाइल फ़ोन में आने वाली प्रॉब्लम को कैसे चेक किया जाएगा, तो बहुत ऐसे सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने कमेंट किया कि सर मुझे बेसिकली सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सिखाइए ताकि हम लोग सीख करके कुछ काम कर सकें। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट आज अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आती है तो उनको इसके माध्यम से हेल्प मिलती है। दूसरी बात क्या रहता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट हैं जो हमारी क्लास कर रहे हैं, क्लास करने के बाद जब उनको इस तरीके से सारे टॉपिक समझा दिया जाता है तो टॉपिक से संबंधित ऐसे वीडियोस होते हैं तो उनको वीडियो मिल जाते हैं, तो वीडियो मिलने से उनको फ़ायदा ये रहता है कि क्लास में वो इस तरीके से वीडियो को सीखते ही सीखते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से जब कभी हॉस्टल में होते हैं, कमरे पर होते हैं, फ्री होते हैं, लंच टाइम में होते हैं, तब भी वीडियो को 10-10, 15-15, 20-20 बार वीडियो को देखते हैं, ताकि वीडियो देखने से क्या रहता है कि जो उसका जो ग्राफिकल होता है वो हमारे दिमाग में पूरा डायग्नोस हो जाता है, हमारे दिमाग में पूरा छप जाता है कि नहीं ऐसे होगा, ऐसे होगा, कब वैल्यू आएगी, कहाँ जंपर लगाना, ये सारी बातें जो होती है हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है। जैसे हमारे दिमाग में साइकोलॉजी की कोई भी इमेज बन जाती है तो हम लोग उसी हिसाब से सोचने लगते हैं, उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं, उसी तरीके से वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और आगे चल करके आगे के टॉपिक के बारे में समझेंगे। तो ये दोस्तों वीडियो को शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें, अगर एंड तक देखेंगे तो आपको वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और इसी वीडियो से संबंधित मैंने चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, अगर आप फ्री हैं तो उन वीडियो को भी वॉच करें, ताकि अगर वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको और सीखने को मिलेगा। और अगर आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर जो अपना पड़ता है ये कानपुर सागर मार्केट में पड़ता है, सागर मार्केट मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है, जो ये कानपुर जो रेलवे स्टेशन पड़ता है, कानपुर घंटाघर जिसे नाम से बोलते हैं या कानपुर सेंट्रल नाम से बोलते हैं, उसके पास में 200-300 मीटर दूरी पास में पैदल का वॉकिंग का डिस्टेंस है, या आप आराम से आसानी के साथ में आ सकते हैं। कहीं दूर से भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पर सारी सुविधाएँ आपको मिल जाती हैं, रहने से लेकर खाने पीने से लेकर के क्लास सीखने से लेकर के प्रैक्टिकल से लेकर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से लेकर के सभी चीज़ों को टोटली आपको व्यवस्था आपको मिल जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर 45 डेज का समय दे करके आप इन सब चीज़ों को सीख करके एक अच्छी तरीके से बेहतर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, अपने बेहतर कल के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए, या बेहतर अच्छे से ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहें और वीडियो में देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।